तुम्हें सबमिट करने के लिए, है ना, विच इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो कई बार लोग, मतलब जो मिथ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जनरली जो नॉर्मल मिस्टेक्स है, लॉट मेनी पीपल, जब आप तुम देखोगे ना कि इंटरनेट पे, तो दे विल टेल कि आस ये डिस्कस अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, कि अपने सारे तारीफ तुमने लिख दिया, है ना, कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, अच्छा कम्युनिकेशन है, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारी अच्छी है ना, तो ये सारी चीज़ें तुम लिख देते हो। बट दैट बेसिकली डजेंट मैटर, मतलब ऑल ऑफ स्किल्स, ऑल योर स्किल्स, है ना, इज नॉट वॉट दे आर आस्किंग फॉर विथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। फिर कई बच्चे क्या करते हैं कि दे राइट लॉट अबाउट द कॉलेज, कि कॉलेज की तारीफ लिख देते हैं कि इतने साल में स्टार्ट हुआ, 50 ईयर लॉन्ग हिस्ट्री है, ये है वो है ना, इन्वायरमेंट अच्छा है, सिटी अच्छी है, ये सब भी लिख देते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दे डिस्कस या दे टॉक अ लॉट अबाउट द कोर्स, कि कोर्स की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि पब्लिक पॉलिसी कोर्स के लिए तुम वो लिख रहे हो, और SOP लिख रहे हो, तो यू विल से कि पब्लिक पॉलिसी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पब्लिक पॉलिसी का राइट फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों का वेलफेयर उस पर डिपेंड करता है ना, तो ग्रेटर गुड के लिए दिस कोर्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट ये भी, ये सब नहीं लिखना होता है। जैसे मान लो कि ऑल योर क्वालिटीज विच आर वेग, है ना, जैसे तुम बोलते हो, तुम लिख के बोलते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तो हाउ डू आई चेक, मतलब तो ये हो गया ना कि हाउ मेनी एडजेक्टिव यू नो, मतलब जैसे तुमने एक एप्लीकेंट्स ने अपने लिए 10 एडजेक्टिव दे दिया कि वो कॉन्फिडेंट है, कम्युनिकेशन अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, एनालिटिकल स्किल है, एप्लीकेंट बी थोड़ा ज़्यादा मेच्योर है तो अपने लिए 20 एडजेक्टिव दे देगा, तो मी मतलब कोई भी बंदा जो दोनों के एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो वो किसको सेलेक्ट करेगा? ऐसा नहीं है कि वो बी को सेलेक्ट कर लेगा ना, कि आपने 20 एडजेक्टिव लिखा है, इसने 10 ही लिखा है, तो इसके पास 10 ज्यादा है। तो ऐसा कई बार लोगों को लगता है कि द मोर यू राइट अबाउट योर सेल्फ, है ना, वो ज्यादा सेलेबल है। तो एक तो ये भी चीज है कि यू डोंट हैव टू सेल योर सेल्फ। मतलब जनरली लोग बोलते हैं, जैसे आई एम टॉकिंग इन कंट्रास्ट ऑफ व्हाट पीपल से, लोग बोलते हैं अपने आप को सेल करो, मैं बोलता हूँ नहीं, अपने आप को सेल मत करो, है ना, यू जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स देयर, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम उस पर बात करेंगे अभी। तो बेसिकली व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये 200 to 500, मतलब डिपेंड करता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी 1000 वर्ड्स पे भी पूछता है, बट बेसिकली मिनिमम इज लाइक 200 वर्ड्स, और ऑन एवरेज 300 400 तक चलता है। सो वो डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स द सेकेंड इमेज, सेकेंड इमेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, द फर्स्ट इमेज दैट इज बींग क्रिएटेड बाई योर मार्क्सेट, एजुकेशनल डिटेल, जो भी फॉर्म के पहले के डेटा आपने डाले हैं, जैसे नाम, आपका घर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्स, ये सारी चीजें ना आपके आपके लिए फर्स्ट इमेज का काम करती है। एंड देन इट बिल्ड्स योर सेकेंड इमेज, कि उसके बाद उस पे सेकेंड लेयर इस पे चलता है कि ऑल दोज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ वॉट इज योर पर्सनैलिटी लुक लाइक एंड वॉट इज योर फ्यूचर एम्बिशन लुक लाइक, तो सेकेंड इमेज क्रिएट करती है। तो यू नीड टू टेक केयर अबाउट राइटिंग योर, कि वॉट काइंड ऑफ इमेज यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, है ना। तो उसके बाद ये भी तुम्हें बता देता हूँ कि इट सर्व्स टू पर्पसेस, है ना, दो पर्पस को सर्व करता है, ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियल दोनों हिसाब से तुम समझ सकते हो, कि ये शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करता है आपके एप्लीकेशन को। और अगर मार्क्स नहीं भी दे रहे हैं, जैसे मान लो कि 10 स्टूडेंट का एप्लीकेशन आया, मुझे 4 को इंटरव्यू में बुलाना है, तो ए पर्सन विल असाइंड कि भाई आप इसको शॉर्ट लिस्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट भी होता है, और कभी कभी इन सम केसेस ये इस पे मार्क्स भी होते हैं। कई सारे कॉलेज का आता है जिसमें टोटल सिलेक्शन क्राइटेरिया में
एसओपी पे भी मार्क्स होता है कि एसओपी पे 10 मार्क्स है, रिटन का 60 का वेटेज है और इंटरव्यू का 30 का वेटेज है, ऐसे करके भी क्राइटेरिया होता है। तो वो थोड़ा सा वेटेज भी रखता है किसी किसी एग्जाम में और केस में। और सेकंड है कि कंटेंट विच फैसिलिटेट इंटरव्यूज। बेसिकली कई बार ये भी होता है कि जब इंटरव्यूअर के पास जाओगे आप, तो आपके इंटायर फॉर्म के साथ आपका एसओपी भी होता है, और एसओपी क्रिएट्स अ बिग प्लेटफॉर्म बाय विच, या प्लेटफॉर्म बोल दो या फिर एक एक एक, एक पिच है जिसपे आपकी इंटरव्यू होती है। तो मतलब इंटरव्यूअर विल रीड दैट एसओपी इन 200 वर्ड्स और 300 वर्ड्स, और इट ही कैन क्रिएट लॉट मेनी क्वेश्चन आउट ऑफ इट टू आस्क यू। तो आप उसको फैसिलिटेट करता है इंटरव्यू प्रोसेस को, ठीक है। और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि इवन इफ योर कोर्स डजेंट डिमांड, है ना, कोर्स आपका डिमांड नहीं भी करता है एसओपी को, तब भी आप एक अच्छी एसओपी लिखना चाहिए आपको अपने कोर्स के लिए, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे आपके फॉर्म में आपसे नहीं बोला गया है कि एसओपी लिखो, वैसे जगहों पे भी आपको एसओपी प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म और बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। दैट हेल्प्स यू इन अलाइनिंग फॉर विद द कोर्स एंड समटाइम फाइंडिंग रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन मतलब कई बार हमने देखा है कि किसी किसी बच्चे को हमने एसओपी के लिए प्रिपेयर कराया, तो ही लिटरली गेट्स मोटिवेटेड फॉर द पर्टिकुलर कोर्स। तो जैसे मान लो कि हम तुम लोग देखे ही होगे कि इवन फॉर यू गाइस हम लोग कई सारे कोर्सेज रिकमेंड करते हैं। तो आउट ऑफ ऑल दोस कोर्सेज, जैसे मान लो कि 3-4 कोर्सेज के लिए आपको हमने प्रिपेयर कराया, आपका एसओपी प्रिपेयर कराया, 3-4 कोर्सेज के लिए एसओपी प्रिपेयर कराया। सो आई रियलाइज कि व्हाइल व्हाइल मेकिंग दोस एसओपी यू गॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेकंड कोर्स, एंड इट बिकेम एज अ रियल मोटिवेशन फॉर योर लाइफ कि आगे चल के हमको ऐसे करना है, ठीक है। तो इसलिए भी आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए जिसको आपने अप्लाई किया है ना, उसके लिए आपको एसओपी लिखना चाहिए। सो बेसिकली एसओपी इज अ ग्रेट एक्सरसाइज विच हेल्प्स नॉट ओनली इन गेटिंग एडमिशन बट ऑल्सो योर पर्सनैलिटी बिल्डिंग एंड लाइफ का अलाइनमेंट आपको मिलता है, एक पर्पज मिलता है। सो बेसिकली हाउ एसओपी शुड बी रिटन, मतलब कैसा लिखना चाहिए, इस पे बहुत सारे बातें होती हैं, कई सारे लोग कई तरह के वो देंगे, तुम्हें ओपिनियन देंगे, बट अगर मेरा मानो तो तुम ऐसे ही इसको जज कर सकते हो कि जैसे लेट्स से यू आर अ प्रोफेसर ऑफ कॉलेज, है ना, और आपके पास न्यूमरस मतलब कई सारे बच्चे हैं वो आप अप्लाइड फॉर योर कोर्स। सो आउट ऑफ ऑल दीज स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ये बहुत सारे लोगों ने पूरा कर रखा है। सो नाउ व्हाट डू यू वांट, तो बेसिकली एज अ प्रोफेसर व्हाट डू यू लाइक कि हम किस बच्चे को पढ़ाएं, कि जिनको जो हम काम दें, है ना, जो असाइनमेंट्स हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। एंड कुशाग्र तुम लेट आओ, एसओपी इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तुम बाद में ये लेक्चर सुन लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड। दिस इज फॉर बेसिकली फॉर पीजी स्टूडेंट मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो एक 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 बच्चा जो है वो आगे चल के मोटिवेटेड रहेगा कि नहीं को करिकुलर, तो यू मस्ट हैव फाउंड सम क्लासमेट इन योर क्लास और इवन यू एज एन एग्जाम्पल कि आप किसी कोर्स में गए बट यू कुडंट पार्टिसिपेटेड इन एवरीथिंग दैट कोर्स इज डूइंग, आपको हर चीज बोर लगने लगा, फिर आप पार्टिसिपेशन आपका कम हो गया, तो बेसिकली यू वेस्ट दैट टाइम। कि आपने जैसे मान लो कि पर्सन एक्स है वो 2 साल का कोर्स करता है एंड एंड ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज दैट इज बींग डन देयर, तो क्या होता है कि अगर 100% आउटकम हो सकता है तो ही विल गेट अवे विथ जस्ट 20% आउटकम। तो प्रोफेसर नहीं चाहते कि हमारा पढ़ाई या हमारा मेहनत जो है वो वेस्ट जाए ऐसे स्टूडेंट्स पे हु इज नॉट अलाइंड टू द कोर्स। दूसरा ये भी है कि एवरी कोर्स हैज अ प्रीरिक्विजिट, है ना, कोर्स प्रीरिक्विजिट होता है कि जैसे हर कोर्स में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर तुम डीएस की बात करो, मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे आईआईटी का जैसे टेस्ट का डीएस है, इट इज अ वेरी कोर प्रीरिक्विजिट ऑफ रिसर्च कि आपको रिसर्च करने आना चाहिए। सो यू नीड टू बी गुड एट स्टैट्स,
है ना, स्टैट्स अच्छा होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. तो रदर देन कम्युनिकेशन स्किल और योर सब्जेक्ट नॉलेज जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, इन सबको छोड़ के मैं ऐसे स्किल्स पर तुम्हें ज्यादा ध्यान दूंगा. तो कोर्स पर रिक्विजिट जो है वो मैच होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी से, ठीक है. तो ये भी चाहिए होगा एज ए प्रोफेसर. दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो आगे चल के इतना एक्सटेंसिव काम करे या अपने फ्रेटर्निटी में फेमस हो जाए. तो उससे क्या होता है कि कोर्स का भी वो बढ़ता है, रिपुटेशन बढ़ता है. तो जैसे मान लो कि मैंने एक कोर्स किया, स्टार्ट किया नेक्स्ट ईयर, कि मैंने बोला कि मैं 1 साल का फेलोशिप स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड इफ आई हायर मान लो 10 to 12 people को हायर किया, और अगले 3 4 साल में टू ऑफ देम और थ्री ऑफ देम बिकम टू गुड, मतलब बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो गए, या फिर सोशल वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर वट एवर दे आर डूइंग इज वर्थ नोटेबल, तो क्या होगा कि एवरीबडी विल आस्क कि भाई तुम सीखे कहाँ से, तुम ट्रेंड कहाँ से हो. तो इफ इफ दे विल से कि हाँ मैंने स्पार्क एजुकेशन से मैंने पढ़ा है, तो लॉट मेनी अदर पीपल विल कम टू मी. तो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग इज एवरीवन्स ऑब्जेक्टिव. तो प्रोफेसर ये चाहता है कि आपके फ्यूचर एम्बिशन जो होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, मतलब यू शुड नॉट बी वेस्टिंग द कोर्स एट ऑल. तो जैसे मैं मान लो कि तुम पब्लिक पॉलिसी पढ़े एंड 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 यू डिडंट गो फॉर रियल टाइम जॉब, तो हुआ क्या कि यू यू वेस्टेड द इंटायर 2 ईयर ऑफ एफर्ट दैट प्रोफेसर हैड पुट इनटू यू. सो दे वांट यू टू हैव अ ग्रेट एम्बिशन, और एम्बिशन के साथ साथ तुम्हारे पास एक फ्यूचर प्लान टाइप से होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि विद दिस कोर्स व्हाट विल बी अचीविंग इन नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स. तो अगर हम इस सारे रिक्वायरमेंट को अगर मैं देखूँ कि हाँ मैं प्रोफेसर हूँ, तो अगर मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें चाहिए, तो एज ए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, वाइल राइटिंग आई विल टेक केयर ऑफ 3 things बेसिकली, है ना. तो इसी को मैंने ऐसे लिखा था, SOP शुड आंसर 3 questions. जरूरी नहीं है कि उसमें क्वेश्चन आंसर के टाइप से दिख के, मतलब इट बेसिकली आंसर दीज 3 questions, है ना. आप एक पैराग्राफ में लिखो, चाहे 2 पैराग्राफ में लिखो, चाहे कंप्लीट ऐसे बना दो. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस कोर्स हैज अ सिंक विथ योर लाइफ. तो सिंक विथ योर लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मतलब आपके स्टडी में क्या फुलफिलमेंट है उसकी, है ना. स्टडी में फुलफिलमेंट क्या है उस कोर्स का, आपका कैरियर के साथ में क्या फुलफिलमेंट है इस कोर्स की, मतलब व्हाई दिस कोर्स इज गोइंग, हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प इन योर कैरियर मेकिंग, स्टडी के साथ साथ और पर्सनल लाइफ में भी, मतलब विल द काइंड ऑफ आउटकम दैट विल बी गेटिंग फ्रॉम अ कोर्स, है ना. वर्क लाइफ बैलेंस तुम जानते हो गए, मतलब यू कैन नॉट कीप अवे योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. मतलब ये बोलते हैं कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखना चाहिए, बट बेसिक जो अल्टीमेट एम है कि ये दोनों रिलेटेड हो तो ज्यादा बेटर है, यू विल बी एंजॉयिंग मोर. तो ये कोर्स का सिंक आपको बताना है आपके लाइफ से, और इन 3 aspects में, है ना, स्टडी कैरियर और लाइफ के रिस्पेक्ट में. तो इसको आप एक्सप्लेन करोगे. फिर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट एंड हाउ डू यू प्लान टू परस्यू दैट कोर्स फॉर नेक्स्ट 2 ईयर. इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम्हें समझना चाहिए कि एनी कोर्स विच इज देयर, मतलब विच इज इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे MBA है, पब्लिक पॉलिसी है, लाइवलीहुड है, सोशल वर्क है, पब्लिक मतलब DPP है, कोई भी कोर्स देखोगे ना जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है. सो वन PG कोर्स विल हैव ऑलमोस्ट 15, मतलब मिनिमम 10 तो होता ही है, 10 to 30 सब्जेक्ट्स का एमलगमेशन होता है. तो यू विल फाइंड न्यूमरस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और उसके उसके डिग्री ऑफ वो होंगे, कंटेंट्स होंगे कि कितना कितना परसेंट कौन कौन सा चीज होगा और किस सब्जेक्ट से क्या लर्न करना है. तो जैसे MBA करने जाओगे तो दे विल से कि साइकोलॉजी से आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लर्न करो, इकोनॉमिक्स से आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स लर्न करो, साथ में नेशनल इकोनॉमिक्स भी लर्न करो, मैथ से आप ऑपरेशन रिसर्च लर्न करो, है ना, एक साइकोलॉजी से कंज्यूमर बाइंग पैटर्न भी लर्न करो. तो हर सब्जेक्ट का एक 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 पर्टिकुलर पार्ट है जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करके लाना है. एंड एंड वन थिंग आई विल टेल यू इन टर्म ऑफ MBA कोर्स, अगर तुम किसी MBA कोर्स को देखोगे ना, जैसे मैं एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ कोट नहीं किया है, बट इट विल सी एनी MBA कोर्स, 4 सेमेस्टर्स होते हैं,
और छः छः पेपर्स होते हैं मिनिमम। सो आउट ऑफ 24 पेपर अगर तुम किसी भी एक पेपर को स्पेशलाइज्ड हो जाओ ना, तो यू विल हैव अ जॉब इन देयर, यू विल हैव अ कैरियर इन दैट पेपर। जैसे अगर आप बिजनेस स्टैट्स है, बिजनेस स्टैट्स में आप बहुत अच्छे हो गए तो आप एनालिटिक्स में कैरियर बना सकते हो। आप मार्केट रिसर्च में बहुत अच्छे हो गए तो आप मार्केट रिसर्च में अलग डोमेन में कैरियर बना सकते हो। और ये डिफरेंट है, एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च आर डिफरेंट। इनफैक्ट कई चीजें कॉमन होती हैं, बट दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। आप मार्केटिंग रिसर्च एक पेपर है वो करते हो तो आप उसमें कैरियर बना सकते हो। आप ब्रांडिंग का पेपर पढ़ते हो तो इसमें एक फुल फ्लेज कैरियर होता है। आप ऑपरेशन रिसर्च पढ़ते हो उसमें फुल फ्लेज कैरियर होता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब नेम अ कोर्स, नेम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। इवन कई सारे सब्जेक्ट में तो दो तीन कैरियर ऑप्शन निकल के भी आ सकता है। तो जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हो तो इसमें इसमें भी कई सारे कैरियर ऑप्शंस आ सकते हैं। तो मतलब बेसिकली एवरी कोर्स, एवरी पीजी कोर्स हैज इनफाइनाइट तो नहीं बोलेंगे उसको, बट देर आर टू मेनी ऑफ पॉसिबिलिटीज विच कैन कम आउट ऑफ दैट पीजी कोर्स, है ना। तो 10 to 30 अगर कोर्सेज हैं तो हर कोर्स हर सब्जेक्ट से कई सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। तो अब चूंकि आप वो अब है तो सारे कोर्स आपको इक्वल मतलब हिसाब से पढ़ने हैं, बट आपको उसमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ कहाँ पे आप फोकस करोगे। सो व्हेन 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 30 स्टूडेंट्स गोज टू इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स या एमबीए कोर्स मान लो, तो ऑल 30 कैन हैव डिफरेंट आउटकम्स। ऐसा नहीं है कि जैसे सारे 30 के 30 जो होंगे एक ही चीज सीखेंगे। मतलब इन कंट्रास्ट अगर तुमको बोला जाए कि अगर 30 स्टूडेंट्स जो है एमएससी फिजिक्स का कोर्स करते हैं, लेट्स से कि इसमें 3 स्पेशलाइजेशन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या न्यूक्लियर है, तो मतलब जो 10 लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दे ऑल विल बी गेटिंग सेम थिंग। बट फॉर एमबीए इट्स वेरी डिफरेंट, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट टेक अवे। सो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो यू विल डिसाइड योर टेक अवे मच अर्लियर देन यू गो टू अ कॉलेज और कोर्स। तो जब आपको पता है कि आप एमबीए में जाके, आप इस कोर्स में जाके किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम पे या टाइप ऑफ वर्क पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, तो यू वॉन्ट बी डूइंग द सेम थिंग दैट एवरीबॉडी इज डूइंग इन दैट कोर्स। आपको कोर्स से अलग, को करिकुलर एक्टिविटीज से भी अलग, आपको कुछ अपना पैटर्न डेवलप करना होगा कि व्हाट विल यू बी डूइंग इन दैट 2 ईयर्स। तो समबडी कैन बी, जैसे मान लो कि समबडी कैन बी इंटरेस्टेड इन, जैसे अगर पॉलिसी पे है तो कोई ये बोल सकता है कि हम हेल्थ पॉलिसी का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या समबडी कैन बी गुड इन इकोनॉमिक पॉलिसी पे आप ज्यादा काम करना चाहते हो, वेस्ट मैनेजमेंट पे आप ज्यादा काम करना चाहते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे ज्यादा काम करना चाहते हो, आप इन्वायरमेंटल पॉलिसीज पे ज्यादा काम करना चाहते हो। तो पढ़ाई तो सबको एक जैसी करी जाएगी, बट ऑल योर वर्क विल बी अलाइंड टू दीज पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन। तो जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा मन है कि हम आईटी पॉलिसी पे ज्यादा काम करेंगे, तो एवरी सब्जेक्ट का जो आपका प्रोजेक्ट होगा या फिर असाइनमेंट्स होगा, आप उसको उसी तरफ से अलाइन करोगे कि जब कभी आगे चल के व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, और मतलब आपको उस डिसिप्लिन में अगर आपको कभी इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिली, समबडी विल आस्क यू कि व्हाट यू डिड इन योर पीजी प्रोग्राम डिफरेंटली सो दैट आई कैन हायर यू इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, तो आप बोल सकते हो। जैसे अभी एक स्टूडेंट है, वो नेचुरल रिसोर्स में, नेचुरल रिसोर्स और गवर्नेंस में थी वो, इसमें टेस्ट में। तो अभी उसका रिन्यूएबल एनर्जी में एक कॉल आया, यूएन का प्रोजेक्ट मतलब कोई डिपार्टमेंट है। सो लकली व्हाट हैपेंड कि मतलब सी हैड अ वेरी नैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी व्हाइल सी इज इन दैट कोर्स। तो उसने बहुत सारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो है उसने रिन्यूएबल एनर्जी पे किया था। तो नाउ इट हैज मतलब ये बहुत हेल्पफुल हो गया उसके लिए, बिकॉज उसकी अलाइनमेंट थी उस कोर्स में। सो सी हैज क्लियर्ड ऑल द लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज एंड टेस्ट इन दैट। तो आपको अपना एमबीए, अपना कोई भी पीजी प्रोग्राम जो है, आपको शुरू से थोड़ा अलाइन करना पड़ता है कि विथ एवरी सब्जेक्ट दैट विल बी स्टडी, तो आपका वो कोर्स का कैसे प्लान करते हो, हाउ डू यू परस्यू टू प्लान, मतलब किस चीज पे आप फोकस करोगे, है ना। ये सब चीजें भी आपको बताना है वहां पे एसओपी में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल यू डू विद दिस 2 ईयर्स, मतलब दिस 2 ईयर्स मतलब ये 2 साल जो आपको मिला, एंड एंड व्हाट एवर यू गेट टेक अवे जो आपने लिया, इसका आप आगे कहाँ अप्लाई करोगे,
will you spoil all this knowledge by not doing anything with that? मतलब तो आपको आप ये ऐसे courses है ना, professional courses है ये, आपको मतलब philosophy या फिर ऐसा subject course नहीं है कि आप learning लिए, knowledge लिए और फिर आप घर पे बैठ जाओ. It is expected from you to perform in society. मतलब मेरी बात ऐसे समझो कि जैसे if government is या your parent is your even you are spending money or time or government is spending time to make you study this course or professional course, so you are supposed to perform afterward. You cannot be just learned and do nothing. है ना, मतलब ये ethical भी बात हो गई. So whatever I'll be मतलब ये एक joke तो नहीं बोलेंगे, but हम जब PhD class करते थे तो वहाँ पे ethics of research में बताया जाता है कि it is unethical to research and to not report. So similarly, I can say that it is unethical to learn and not doing anything with it. So professional course है, applied course है, तो आपको कुछ करना तो है ही, and you should also be doing something great. और great तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब बहुत सारे students fed up होते हैं कि सर आप बार बार महान word use करते हो, but literally महान यानी मतलब कि better than what you can expect from yourself. And I always think in some elaborated way कि क्या हम कर सकते हैं. तो उस चीज को थोड़ा सा परफॉर्म मतलब परफॉर्मेंस बेस पे या माइलस्टोन बेस पे अगर आप एसओपी में लिखते हो तो प्रोफेसर को आइडिया होता है कि अच्छा ठीक है इसका अलाइनमेंट ऐसा है. दैट डजंट मीन कि आफ्टर टू ईयर यू विल बी डूइंग द सेम थिंग. कई लोगों का वो चेंज होता है, मतलब द एम्बिशन और विजन कैन चेंज इन टू ईयर ऑफ कोर्स, बट शुरू से आपके पास अगर कोई अलाइनमेंट है, आपके पास कोई एम्बिशन है, तो चेंज भी होगा तो यू विल बी शिफ्टिंग टू अ न्यू गोल. ऐसा नहीं होगा कि आपके गोल ही खत्म हो जाएंगे. ठीक है, और गोल नहीं है तो देर इज नो स्कोप, या ऐसा हो सकता है कभी गोल ही ना आए आपके पास और आप 2 साल फिर पढ़ लो और बर्बाद कर दो उसे. सो आई विल बी डीलिंग विद ईच क्वेश्चन सेपरेटली, है ना. ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट तो मैं फिर भी बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बताया था कि स्टडी कैरियर और पर्सनल लाइफ से तुम्हें सिंक बनाना है, बट यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर द टर्म वाइस वर्सा. व्हाई आई हैव रिटन हियर इज ऐसा समझो कि जैसे तुम पर्सन ए हो और ये कोर्स है, ये पीजी कोर्स है, सो दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर यू, सो यू शुड ऑल्सो सुटेबल फॉर दिस कोर्स, है ना. ये वाइस वर्सा है, मतलब अगर 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 मान लो कि हर आदमी ये बोले कि मेरे लिए कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि भाई हम पढ़ लेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, पीजी हो जाएगा, हमें जॉब मिलेगा, आई कैन डू वंडर इन लाइफ, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, बट यू फॉरगेट टू एक्सप्लेन कि वॉट यू विल बी गिविंग टू दिस कोर्स. क्योंकि तुम ऐसे समझो कि पीजी का कोर्स जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ जॉब दैट यू डू एट यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो आपका काम कोर्स को एनरिच करने का भी है, उस 2 साल को, और यू आर नॉट जस्ट देयर एज ए स्टूडेंट. तुम ऐसे भी इसका मैं मतलब एक सिंपल प्रूफ तुम देख सकते हो. यू कैन गो टू एनी ग्रेट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वहाँ पे जब भी तुम पीजी या फिर रिसर्च के एडमिशन का देखोगे ना, तो दे डोंट राइट एडमिशन, दे राइट रिक्रूटमेंट ऑफ अ स्टूडेंट. एंड व्हाई डू वी राइट रिक्रूटमेंट? बिकॉज इट्स नॉट अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओनली, इट्स बेसिकली जॉब. सो आपको एक सिंक बनाना पड़ेगा कि वॉट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कोर्स. तो आपको वाइल राइटिंग दिस कि ये सिंक कैसे है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यू एज एन इंडिविजुअल विल वॉट ब्रिंग टू द प्लेट ऑफ दैट कोर्स. तो जैसे मान लो कि डाइवर्सिटी का फैक्टर क्या है तुम्हारा, क्या तुम ऐसा स्किल या फिर नॉलेज और रिसर्च ऐसा लेके जाओगे इन द क्लास की क्लास भी इनरिच हो, डिस्कशन से इनरिच हो. तो इसलिए मैंने ये टर्म वाइस वर्सा डाला है. तो वाइल राइटिंग द सिंक आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखोगे. सो एक एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिखा है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टोरी टेलर एंड फाइंड एन इंटायर मीडिया फॉर that shall make my life happy. That's the prime reason. मतलब कि बेसिकली someone who is willing for film study के लिए एक था, एक example line है कि जैसे आप स्टोरी टेलर हो और जो मीडिया के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको आप यूज मतलब नॉट ओनली स्टोरी टेलिंग बट आपका लाइफ भी इससे अच्छा होता है, हैप्पी होता है. And for this reason you want to pursue film studies. So
तो ये वन ऑफ द लाइन हुआ कि पर्सनल लाइफ से रिलेट करना, ये बार बार लोग पूछते हैं कि पर्सनल लाइफ से रिलेट कैसे करेंगे, है ना। ऑल्दो ये बहुत ही इनसफिशेंट है, आपको स्टडी और कैरियर को लेकर भी ऐड करना पड़ेगा कि जैसे विद दोस्त, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके लिए पीजी इम्पोर्टेंट हो, या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट हो, या फिर स्किल ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, या फिर नेटवर्किंग के लिए भी आप जाना चाहते हैं इस कोर्स में, और कैरियर के लिए भी ये है कि जैसे सिंस ट्रस्ट इशू डेवलप होता है विद द कोर्स, है ना, आगे वो जाने के लिए। और सिंस प्रोफेशनल कोर्स हो चुके हैं सारे, MBA है या सोशल वर्कर, दे आर प्रोफेशनल कोर्स। तो जैसे एक आदमी बिना MBBS किए डॉक्टर नहीं हो सकता, सो नाउ डू यू यू डू अंडरस्टैंड कि बिना एक सोशल वर्क का PG कोर्स किए यू कैन नॉट बी अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, है ना। ऑफ कोर्स आप सिंपैथेटिक होकर या एम्पैथी से बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बट ये तुम्हें ध्यान रखना है कि दीज डेज दिस इज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स देन जस्ट अ प्रैक्टिस और बेस्ट कोर्स की सोशल वर्क कैसे करें। सो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि सबके लिए अलग अलग नीड और पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान रखोगे, अपने हिसाब से ही लिखोगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एंड हाउ डू यू प्लान टू परस्यू द कैरियर फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो मैंने उसी पर्सपेक्टिव पे लिखा है कि आई शेल बी लर्निंग मोर ऑन स्क्रीन प्ले, जैसे फिल्म मेकिंग के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो लेकिन स्क्रीन प्ले में मेकिंग स्मॉल स्टोरीज दैट आई इवन रिटन विद द कॉलेज रिसोर्सेज एंड कलीग्स देयर ऑल्सो क्रिटिकल स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ मूवीज एंड डायरेक्टोरियल पर्सपेक्टिव इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो जैसे इसने दो ऑब्जेक्टिव बनाया कि स्क्रीन प्ले पे फोकस करेंगे और एक क्रिटिकल स्टडी भी वो परफॉर्म करना चाहता है विद द कोर्स। जैसे कोई MA इन फिल्म स्टडी में जाना चाहता है या मीडिया एंड कल्चर में जाना चाहता है, उसके लिए है कि मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग दैट द कोर्स विल टीच, है ना, यू वॉन्ट टू स्टडी दिस, है ना। और डायरेक्टली पर्सपेक्टिव की कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, तो उसके लिए भी आप स्टडी करना चाहते हो। तो जैसे एज ए प्रोफेसर अगर हम पढ़ेंगे तो पता है कि हाँ दिस पर्सन एक्स विल कम टू माई कॉलेज और स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स, बट ही विल बी फोकसिंग मोर ऑन स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्टली पर्सपेक्टिव विद द जनरेशन ऑफ मूवीज पे ये कुछ काम करेगा। आप कुछ यूनिक, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ यूनिक फीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है विच ओनली दैट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड, तो आप उसके सिंक में भी बता सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप IIT में DS के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यू कैन से कि टेक्निकल जो वो है नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूट है, क्योंकि IIT इज मोर ऑफ टेक्निकल, तो टेक्निकल नेचर ऑफ जो जो इंस्टीट्यूट है इट विल हेल्प यू बिल्डिंग, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो जब आप इसमें ये भी लिख सकते हो IIT मंडी के DS में कि जैसे हम टेक्नोलॉजी को सोशल वर्क से रिलेट करना चाहते हैं और इनोवेशन को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पे, और मतलब अपकमिंग जो भी डेवलपमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसकी भी स्टडी आप करना चाहते हो, तो द इंस्टीट्यूट विल हेल्प मी बिकॉज इट हैज दैट टेक्निकल नेचर। सो जो TIS DS विल नॉट हेल्प यू इन दिस, बट IIT DS विल हेल्प, है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि चूंकि केमिकल इंजीनियरिंग का आपके यहाँ पे वो है, तो इन्वायरमेंटल को लेके आपकी जो भी पेपर्स हैं, स्टडीज हैं, रिसोर्सेज हैं, है ना, तो यू कैन बिल्ड दैट लिंक बिटवीन द कॉलेज एंड द द द प्लान जो भी तुम बना रहे हो कि किस तरफ मोटिवेटेड हो गए। सो बेसिकली व्हाट इज इन योर माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ये आप वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल यू डू विद दिस 2 ईयर्स इन योर लाइफ अहेड। आपको पहले भी बताया कि कॉलेज वांट्स यू टू डू समथिंग एंड यू आल्सो वांट यू टू डू समथिंग, सो यू मस्ट हैव अ फिगरेटिव, और फिगरेटिव नहीं बोलो, एक वेग लाइन, बट स्टिल अ कंक्रीट आइडिया तो नहीं हम बोलेंगे, है ना, बट यू हैव सम माइलस्टोन्स कि हम ऐसे से मूव कर सकते हैं आगे। सो फिर फॉर द सेम एक पर्सन जो फिल्म मेकिंग में जाना चाहता है, तो उसके लिए मैंने लिखा कि आई विश टू क्रिएट अ स्मॉल सस्टेनेबल इकोसिस्टम विद स्मॉल टीम टू मेक स्मॉल एंड बिग मूवीज ऑन लोकल एंड ग्लोबल इशूज अहेड। तो ये देखो ये कैसा है कि जैसे मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई जैसे कोई बंदा है, मतलब इवन लेट्स से कि इफ आई एम अप्लाइंग फॉर फिल्म मेकिंग, तो एक एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि आप
कोई मूवी बनाओ तो वो दैट शुड गेट द रिटर्न ऑफ व्हाट द प्राइसेस दैट हैज बीन पेड फॉर द मूवी. तो आप कैरियर भी आपका बनता रहेगा और इस तरह से आप ग्लोबल इशूज पे और लोकल इशूज पे आप मूवीज बनाए और साथ में उसका रिटर्न भी है. तो बेसिकली तुमने देखा होगा कि कई बार आप मतलब पब्लिक इशूज पे या सोशल इशूज पे आप मूवी बनाते हो तो उसके कोई बायर नहीं होते. सो यू वॉन्ट टू क्रिएट दैट बाइंग सिस्टम ऑल्सो. तो कुछ ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहोगे कि आपका इशूज भी डिस्कस हो जाए एंड यू ऑल्सो गेट इनफ मनी टू कीप इट परफॉर्मिंग, है ना. तो ऐसा हम चाहते हैं. तो ये लॉन्ग टर्म बेस है, बट यू कैन फॉर पब्लिक पॉलिसी यू कैन से कि हम ऐसा कुछ चाहते हैं, बट स्टार्ट विथ अ प्रैक्टिस बेस्ड कंपनी, है ना, या थिंक टैंक या किसी गवर्नमेंट बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ऐसे करके हम स्टार्ट कर सकते हैं. एंड माई एम इज टू ग्रो विथ बिग विद द कैपेसिटी. तो जैसे मान लो कि आप प्रैक्टिस बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो पब्लिक पॉलिसी से आप स्पैच कंसल्टिंग में गए, तो वहाँ पे आपने प्रैक्टिस किया 2-3 साल, फिर आप यू गॉट द हायर अथॉरिटी रोल, और फिर आप उसने उसके बाद आप गवर्नमेंट में इन करके यू स्टार्टेड बीइंग इन चार्ज ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट ऑफ पॉलिसी. तो ऐसा कुछ आपका रफ कैरियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. और मतलब ये वेग हो सकता है, बट एक विजन होना चाहिए. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेनी ऑफ द टाइम विजन होना और उसका कंक्रीट विजन होने में फर्क है. विजन जैसे मैनेजमेंट में विजन डिफाइंड है कि समथिंग विच इज इनफिजिबल बट स्टिल सीएबल, और विजन मतलब विजन में है. जैसे कैडबरी कंपनी का विजन जो है, कैडबरी इन एवरी पॉकेट, तो इट इज इनफिजिबल और इम्पॉसिबल टू अचीव, बट इट्स नॉट इनविजिबल. तो आप आँख बंद करके चाहो तो आप उस सिचुएशन को देख सकते हो कि कैडबरी इन एवरी पॉकेट, ठीक है. तो सिमिलरली विजन जो है आपका इनविजिबल हो सकता है, बट देयर मस्ट बी अ विजन, है ना, जो दिखता हो कि हाँ वो सही हो जाएगा, ठीक है. सो द नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन है. अगर आप इसको लिख देते हो, इसको कंप्लीट कर देते हो, तो आपका एसओपी कंप्लीट हो जाता है. आई अगेन डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि क्या आपको ध्यान देना चाहिए वाइल राइटिंग. लॉट मेनी स्टूडेंट व्हाट दे डू इज वेल बिफोर राइटिंग एसओपी वो गूगल करने लगते हैं सैम्पल एसओपी या इस कॉलेज के लिए एसओपी. ये बहुत ही मैल प्रैक्टिस समझो एक तरह से है. व्हाट यू हैव बिकम यू आप किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट का या किसी कंसल्टेंट का या किसी के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड एसओपी पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये आपका बेंचमार्क हो गया. एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट. अब तुम्हें ये बिलीव करना चाहिए कि एवरी कॉलेज हुए द ऑफिसर इन चार्ज होगा या जो प्रोफेसर इन चार्ज होगा जो एसओपी पढ़ रहा होगा वो ही कैन जस्ट विजुलाइज द क्या बोलते हैं उसको, जो कॉपी पेस्ट का जो वो है इसेंस है, वो पहचान जाएगा कि वो कॉपीड है ना, इट्स नॉट योर्स. और जब आप किसी के दूसरे के फ्रेमवर्क पे अपनी बातें लिखते हो तो यू कैन नॉट राइट इन द डायरेक्शन जो सिंक में बने, तो इट विल बी वेरी एब्स्ट्रैक्ट. आपको लगेगा तो बहुत अच्छा है बट इट वॉन्ट गिव यू द क्लियर इमेज ऑफ अबाउट योर पॉइंट्स. तो इसीलिए आपको फर्स्ट ड्राफ्ट पहले खुद के लिए तैयार करना चाहिए, देन यू कैन सी द एसओपी और उसके हिसाब से चेंज कर लो तो बेटर है. उसके बाद आपको जब एक बार एसओपी लिखो तो आप बार बार उसको पढ़ो कि हैव यू एबल टू आंसर ऑल दोस 3 क्वेश्चंस जो इसमें आना चाहिए. क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने लिख तो दिया बट समटाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी मिस गिविंग दोज पॉइंट्स. मैंने देखा है कई बार हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, सामने में समझाते हैं आधे घंटे की भाई ऐसा ऐसा है, ये 3 चीजें होनी चाहिए, बट दे कम अप विद द आंसर और एसओपी व्हिच इज नॉट डिस्कसिंग. इनफैक्ट दो दो क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. तो आपको बहुत ही इक्वल वेटेज के साथ सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करना चाहिए इन योर एसओपी. एंड 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 वो एडजेक्टिव्स जो है अपने आप को सेल करने के लिए नहीं डालना है ना, यू यूजिंग लिस्ट ऑफ द एडजेक्टिव, है ना. और इनटेंजिबल तो बिल्कुल नहीं. जैसे आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपका एनालिटिकल एबिलिटी अच्छा है, ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी चाहिए, है ना. और लिखते भी हो तो वाकई अच्छा है, या किसी रेफरेंस के साथ लिखते हो तो बेटर है, ठीक है. और ये आपको पहले भी बता दिया है कि कोर्स और कॉलेज को बेवजह अप्रिसिएट करने की जरूरत नहीं है, है ना. बटरिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. सो यू जस्ट नीड टू एस्टैब्लिश अ सिंक
बिटवीन यू एंड कॉलेज, है ना? इनफैक्ट नॉट ओनली कॉलेज, पहले कोर्स और देन कॉलेज। तो लोग क्या करते हैं कि कॉलेज की तारीफ पे ज्यादा लिख देते हैं कि कॉलेज वाले को लगे कि हाँ मेरा तारीफ किया है तो एडमिशन दे देते हैं। ऐसा होता नहीं है ना? एवरीबॉडी इज सेल्फिश, द प्रोफेसर इज सेल्फिश, द कॉलेज इज सेल्फिश। हाँ, जिस कॉलेज को एडमिशन ही नहीं मिल रहा है तो किसी भी बच्चे को ले लिया, और अगर 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 SOP का पूरा प्रोसेस ही दिखावे का है तो दे डोंट माइंड कि व्हाट एवर रिटन। बट इफ SOP इज हैव सम, मतलब डज हैव सम मीनिंग, तो वो हमेशा वो चेक करेंगे कि आर यू एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग दैट शुड बी देयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SOP का। क्या है, कोई इम्पोर्टेंट या कोई डाउट है तो बताओ इसमें। सर, यू मुझे एक कैन, क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ। जैसे NLS वालों ने पूछा है कि व्हाई यू वांट टू स्टडी द कोर्स इन NLS, ठीक है, तो सर पब्लिक पॉलिसी का मेरा ऐसा कुछ ओरिएंटेशन भी नहीं रहा है कि मुझे पहले से वो उस चीज की नॉलेज है कि हाँ मुझे इस फील्ड के लिए मेरा कुछ ऐसा हो। ठीक है, अभी मेरे को पता चला कि हाँ दिस फील्ड इज इंटरेस्टिंग फॉर मी, आई आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा तो उसमें भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह होता है, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हुआ। एंड द मोर आई रेड अबाउट इट, द मोर आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो वो चीज सर मैं SOP में कैसे लिखूं, क्योंकि मैं, मेरे पास ऐसा कोई प्लान मोटिव भी नहीं था कि मैंने इस पब्लिक इशू या फिर ऐसी सोशल एंगेजमेंट रही मेरी तो इस कोर्स के लिए ओरिएंटेड हुई। आई जस्ट गॉट टू नो अभी, और जितना मैंने रीड किया उतना मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। हाँ, तो तुम उसी को तो लिखोगे ना, कि जैसे देखो तुम्हारे लिए एजुकेशन, अब अभी तुम्हें ऐसा कुछ एजुकेशन का चाहिए था कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, है ना? हाँ जी, एंड यू वांट टू एक्सप्लोर अ गुड PG कोर्स विच कैन गिव यू अ कैरियर ऑप्शन फॉर योर लाइफ। तो आप कई सारा देखते हो, ऐसा नहीं है कि आप, कोई बच्चा जो है क्लास 5th से पब्लिक पॉलिसी में नहीं इंटरेस्टेड हो सकता है, या क्लास 10 से यू नहीं हो सकता। तो वाइल सर्चिंग फॉर दिस PG प्रोग्राम, आप इस कोर्स से आए तो इसके ये कंपोनेंट्स जो हैं, इट 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 इज इन सिंक विथ यू। तो जैसे पब्लिक पॉलिसी का प्रोफेशनल नेचर है ना, प्लस जो तुम्हारा वो है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, है ना, यस इट 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 कैन हेल्प अ लॉट इन लर्निंग पब्लिक पॉलिसी और आगे जाके डिलीवरिंग पब्लिक पॉलिसी, है ना, इसमें बहुत हेल्प करेगा। प्लस मतलब यू एज अ इंडिविजुअल, यू यू फाइंड ग्रेट प्लेजर इन वर्किंग फॉर सोसाइटी, और नॉट वर्किंग फॉर सोसाइटी, तो सोशल वर्क करके भी कर सकते हो, है ना, आप स्ट्रेटजाइज करने में या प्रैक्टिस करने में। मतलब देखो, कई बच्चों का होता है कि वो पब्लिक पॉलिसी फील्ड में जाना चाहते हैं टू स्ट्रेटजाइज, कि हम पॉलिसी बनाएंगे और कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए। तो आपको इनमें से कौन सा इंटरेस्ट है उस पर थोड़ा ध्यान दे के, है ना, आप उसका सिंक बना सकते हो। ठीक है, तो सर वो जो लास्ट वाला उन्होंने पूछा है कि आप इस कॉलेज से क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो हाँ, उनका वो क्या SOP के अलग पूछ दिया है ना, तो जो मैंने लास्ट एक क्लास में मैंने बताया था ना, कि ये द फीचर ऑफ इंस्टीट्यूशन विच गिव्स यू स्कोप ऑफ डूइंग समथिंग विच यू डोंट फाइंड फ्रीक्वेंटली, है ना, ये चीज आपको वहां डालना है। कि जैसे NLU में आप जैसे NLU का जो वो है, जैसे मान लो तुम बोलते हो कि हम ये करना चाहते हैं, हम क्या बोलते हैं, कोर्स के साथ साथ आप इंटर्नशिप करना चाहते हो इन पर्टिकुलर फील्ड, तो वो क्या होगा कि जो NLU जो है उसका ब्रांड नेम जो है, इट विल हेल्प यू इन गिविंग यू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, की आप कई कंपनी में अप्लाई कर सकते हो और यू कैन आस्क फॉर ये। दूसरा क्या, NLU का जो लॉ फैकल्टी है, इट्स अ वेरी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो जो लॉ जो है वो इनरिच करता है पब्लिक पॉलिसी को, सो दिस पर्टिकुलर फीचर ऑफ लॉ इनरिचिंग द प्रोग्राम, है ना, यू वॉन्ट फाइंड एनी अदर कॉलेज इन इंडिया। तो कोई और पब्लिक पॉलिसी का कोर्स होगा तो वहां पे लॉ का इतना एनरिचमेंट नहीं होगा। सेकेंड, आप इसको ये बोल सकते हो NLU के केस में कि इनका जो करिकुलम भी है ना, वो भी थोड़ा लॉ ओरिएंटेड है। तो बेसिकली जो पॉलिटी ड्राफ्टिंग में कंप्लायंस का जो रिक्वायरमेंट होता है, कंस्टिट्यूशनल कंप्लायंस का, है ना, ये आपके लिए बहुत ही मतलब इजी हो जाएगा। तो योर पब्लिक पॉलिसी